नक्सल प्रभावित गांव पोटाली में पुलिस ने कैंप खोला है। दंतेवाड़ा से 65 किलोमीटर दूर घने जंगलों में इस कैंप को नक्सलियों से निपटने के लिए खोला गया है। 300 जवान इस नए कैंप में तैनात रहेंगे। जवानों को मनोबल बढ़ाने के लिए एसपी और कलेक्टर पोटाली गांव पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की। देखिए एसपी और कलेक्टर ने इस कैंप को लेकर स्वराज एक्सप्रेस से क्या खास बात कही। सबसे संवेदनशील इलाके पोटाली में पुलिस के द्वारा आज एक नवीन कैंप बैठाला गया है, जिस पर प्रशासनिक अमला भी आया हुआ है। हालांकि इस कैंप का कुछ ग्रामीण कुछ दिनों से विरोध भी कर रहे थे, उसके बाद भी शासन का आदेश था, इसलिए पुलिस ने यहां पर सुरक्षा के लिहाज से कैंप को बैठाल दिया। प्रशासनिक अमला भी पहुंचा हुआ है। हम पोटाली के उसी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और हमारे साथ दंतेवाड़ा के एसपी और कलेक्टर भी मौजूद है। आइए उनसे ही हम जानते हैं कि इस कैंप के बैठालने के बाद इस इलाके की दिशा और दशा किस तरीके से बदली जाएगी। सर थोड़ा सा बताएंगे कि कैंप में कितने जवान तैनात हैं और आगे क्या होगा। आयरनपुर से 10.5 किलोमीटर दूर पोटाली के पुजारीपाल में जो नया नवीन कैंप खोला गया है, यहाँ करीब 8000 की आबादी, करीब 5 ग्राम पंचायत जो है नक्सली अति संवेदनशील अफेक्टेड थे। कोई भी शासन की डेवलपमेंटल स्कीम पहुँच नहीं पा रही थी, इसी के लिए हमने एग्रेसिव कैंप यहाँ पे खोला है, जिसमें कि डीआरजी के 150 जवान, एसटीएफ के 50 जवान और सीएफ के 200 जवान रहेंगे। हमारे साथ प्रशासनिक अमले के जिला कलेक्टर प्रोफेसर वर्मा जी मौजूद हैं, उनसे ही हम पूछते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अब प्रशासन की व्यवस्थाएं पहुँचाई जाएंगी। इसके अलावा जो ग्रामीणों को हम छोटे मोटे स्वरोजगार या उनके आय वर्धन वाले कार्य है वो भी लेंगे। अन्य गाँव में जो आदर्श गाँव के तहत हम लोग मुर्गी पालन, बकरी पालन, खेती किसानी के काम, सब्जी भाजी के काम, मछली पालन का काम लोगों को दे रहे हैं, वो भी यहाँ अगले हफ्ते से चालू करेंगे। निश्चित तौर पर जिस तरीके से यहाँ पर अब कैंप बैठाला गया है, तो ये नक्सलियों का आधारशिला का इलाका माना जाता था और इस कैंप के बाद से यहाँ की स्थिति बदलेगी, ऐसा जिला प्रशासन का और पुलिस प्रशासन का दोनों का दावा है। पंकज सिंह भदौरिया, स्वराज एक्सप्रेस, पोटाली। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, जिस तरह से फोर्स और आदिवासियों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है और लगातार जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं ग्रामीण की बेवजह इलाके में गिरफ्तारियां होंगी और भी कई चीजें निकल करके आएंगी, तो जिस तरह से विरोध कर रहे हैं, क्या लगता है कि फोर्स को कुछ और विकल्प निकालना पड़ेगा या यहीं पर इनका कैंप लगा रहेगा? बिल्कुल सही बात है, फोर्स को विकल्प और भी निकालने होंगे। फोर्स को ऐसे विकल्प निकालने होंगे जो ग्रामीणों के साथ में एक अच्छा ताना बुना बिन करके, एक अच्छे संबंध बना करके ही फोर्स को वहाँ पर ऐसी जगहों में कैंप स्थापित करना चाहिए, क्योंकि दंतेवाड़ा जिले के चिकपाल में भी एक कैंप स्थापित हुआ था, उसके बाद एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि पुलिस वालों ने या डीआरजी के जवानों ने पकड़ के दो ग्रामीणों को जंगलों में ले जा करके गोली मार दी है। तो ऐसी दहशतें अन्य अंदरूनी क्षेत्रों में फैली हुई है। पोटाली के इलाके में भी ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस यहाँ पर जब कैंप लगाएगी तो हमारी जो स्वतंत्रता है उस पर ना बाधकता पड़ेगी और हमारे जो आम दिनचर्या की जो जिंदगी हो यहाँ पर बदहाल सी हो जाएगी और ग्रामीण हमको पकड़ लेंगे या नक्सली बना करके फर्जी मामले में फंसा लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन का ये कहना है कि ये जो इलाका है ये काफी संवेदनशील इलाका है और यहाँ पर जब कैंप बैठेगा तो कैंप बैठने के बाद से जो इस इलाके में दरबा डिवीजन के नक्सली हैं, जो मलंगेर एरिया कमेटी का ये इलाका पड़ता है, इसको बहुत बड़ी चोट पहुंचेगी और यहाँ पर सड़क खुलेगा, सड़क खुलने से यहाँ पर अस्पताल पहुंचेगा और जो भी प्रशासन की सुविधाएं हैं सारी पहुंचेंगी। लेकिन फिर भी दूसरी तरफ में यदि ग्रामीण विरोध कर रहे हैं तो सरकार के लिए सोचने वाली बात है कि अगर जब फोर्स कैंप सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं तो आखिर ग्रामीण ऐसा विरोध क्यों कर रहे हैं? अगर वो नक्सलियों को दबाव से भी आ रहे हैं तो भी उनकी बात को उनको सुनना चाहिए और सुनने के बाद में कोई बीच का समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि अगर जिस तरीके से कल हमको वहाँ पर तनाव की स्थिति दिखी तो उससे आने वाले समय में कोई विकराल स्थिति भी पैदा हो सकती है। हो सकता है कि वो ग्रामीण कोई पारंपरिक हथियार लेकर के कोई बड़ा हमला भी कर सकते हैं फोर्स के ऊपर में, तो इस तरीके की स्थिति से निपटने के लिए फोर्स को और भी विकल्प के साथ में एक अच्छे से बढ़ना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज इस जानकारी को साझा करने के लिए। और ब्यावरा में लोधीपुरा जो